शराब पीकर बुरी नीयत से घर में सो रही महिला को दबोचा संभल। हयातनगर थाना क्षेत्र के शेरपुर ग्राम में अपने घर में सो रही महिला को गांव के ही लखपत नामक ग्रामीण ने दबोच लिया और अश्लील हरकत शुरू कर दी। महिला के शोर मचाने पर किसी को बताने पर लखपत जान से मार देने की धमकी देकर भाग गया। महिला के अनुसार लखपत गुंडा किस्म का आदमी है। महिला ने आप बीती अपने पति को बताई। पति ये सुनकर आरोपी के भाई करण सिंह से शिकायत करने पहुंचा। तब करण सिंह ने महिला के पति को समझा बुझाकर भेज दिया, परंतु अगले दिन लखपत करण सिंह शिवचरण खुशीराम हाथ में लाठी डंडे लेकर महिला के घर चढ़ गए और गंदी गंदी गालियां देने लगे एवं महिला के कपड़े फाड़ दिए। जब उसके पति ने उसे बचाना चाहा तो उक्त लोगों ने पति पत्नी को लाठी डंडों से पीटा। दोनों की चीख पुकार सुनकर गांव के लोग आ गए, जिनको आता देख उक्त लोग आगे देख लेने की धमकी देकर भाग गए। क्या नाम है आपका? कौन से गाँव से? तो ऐसे पथराव कैसे हुआ, ये कैसे झगड़ा हुआ? हुआ जब मैं आया तो साफ पथराव हो रहा है जी। तो फिर मैंने बीच में से मैंने पथराव रोका तो बाहर निकल के लड़के की बहू भी आई हैं, तो उसके साथ में बदतमीजी करी। किस लिए बदतमीजी करी उन्होंने? क्यों बदतमीजी करी? ज्यादा ज्यादा ये लड़का ही नहीं। अच्छा, तो किस तो बदतमीजी क्यों करी उन्होंने? शराब पीते हैं जो बंगला के साथ। क्या नाम है तुम्हारा? वीरेश। कहाँ से हो? शेरपुर से। क्या मामला, लड़ाई कैसे हुई, क्या झगड़ा हुआ? झगड़ा ऐसा हुआ सर, वो पी के शराब आ रहा। कौन आ रहे थे? लखपत जी। लखपत करण सिंह। लखपत और करण सिंह। अब वो पी के घर में घुस गया। मैं थाने पानी पे था, वो हमारी बीवी के साथ में बदतमीजी करने लगा। तो अब जब हमने खबर पड़ी, हमें सुबह के लिए आए थे हम, तो उन्होंने मारपीट शुरू कर दी। किस बात को लेकर मारपीट करी? हमने उन्होंने ये कही थी कि हम तो सर ऐसे घुसेंगे घर में, तुम पे जो हो वो कर लो। क्या वजह घटना थी जो आप? ये रात के दिन की ना, जब आपकी बीवी के साथ में उन्होंने रात के 11 बजे। फिर आपने खाने खाने से बात करी क्या? नहीं, जब हम है ही नहीं घर है तो सुबह पता पड़िए ना हमें, तो जब बताइए बच्चों। हमने कहा तो हमारे संग मारपीट और कर दी उन्होंने। सुबह बहू जब बचाने आई तो फिर बदतमीजी करी उन लोगों में। क्या चाहते हैं? हम साफ कार्रवाई चाहते हैं, हो जाए तो। आपने थाने में तहरीर दी क्या? तहरीर दी उन लोगों ने, कह दिया कि इंक्वायरी होगी अभी तक।